आज हम लोग नाइन्थ क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, नोट करें, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास by mass percentage of the solution। हिंदी वीडियो वाले नोट करें, एक विलयन जिसमें 40 ग्राम सामान्य लवण, 320 ग्राम जल में खुला है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, इसमें दिया क्या है, इसमें मास ऑफ सोल्यूट, हिंदी मीडियम क्या लिखेंगे, विलेय का भार का द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान दे रखा है, कितना है 40 ग्राम, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ, विलायक का द्रव्यमान ये 320 ग्राम दे रखा है, और ये है क्या, वाटर। तो हमें मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले से बता रखा है कि मास परसेंटेज, इसको हिंदी में जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद लोग देखते हैं, इसमें हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। पहले हम लोग मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर सॉल्यूट में नहीं, सॉल्वेंट में है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होंगे बेटा, यहाँ फॉर्मूले सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन। देखें इसके लिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, जब अब मास ऑफ, एक फॉर्मूला और इधर होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन इसे कल्टू होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज आप कर लोगे, तो ये भी चीज, ये चीज आप कर लेंगे। यहाँ पर आप देखो, इसको आप रख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, अब यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100, यहां पर करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा था, मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम है, अपॉन 40 प्लस 320 ग्राम हो गया 100, इनटू 100। तो यहां पर देखें,
40 अपॉन 30 कितना आ जाएगा 36 ये आ जाएगा 0 क्लियर। अब 4 × 4 = 36 100 upon 9 means कि 11 point how much 11 that is the answer, ये इसका आंसर होगा बेटा, ठीक है, इतने परसेंट इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर, नोट कर लीजिए सारे बच्चे। एक नेक्स्ट है, नोट करें, सेकंड न्यूमेरिकल, 3.5 ग्राम ऑफ सुगर इज प्रेजेंट इन 46.5 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। लिखें 3.5 ग्राम शर्करा को 46.5% जल में घोला गया तो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखें पहले गिवेन क्या क्या चीज है वो चीज हम निकाल लेंगे। तो मास ऑफ जो घुला होता है उसको मैंने बताया था आपको विलेय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें घुला होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट हाउ मच कितना दे रखा है 4 ग्राम, ठीक है, और फिर मास को आपने मैंने बताया मास ऑफ तो ये विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, ये आप हिंदी के बारे लिखे द्रव्यमान, ठीक है, और फिर है मास ऑफ सॉल्वेंट विलायक का द्रव्यमान 46.5 ग्राम, हाँ इसको क्या कहते हैं विलायक का द्रव्यमान। अब देखें अब मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम यहां से निकाल लें विलयन का द्रव्यमान तो ये आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 3.5 + 46.5 कितना आ जाएगा बेटा, यस पता है भाई, जोड़ लें कितना होगा 50 ग्राम बेटा। अब फॉर्मूला लगा देंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, इतना करने के बाद यहीं पर कर लेते हैं, इसका है 3.5 upon 50 × 100 52 से 100, ये 3.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 7% ये आंसर, नोट कर लीजिए सारे बच्चे।
नोट कर लें। ठीक है, अब इसमें देखें, ऐसे ही और जो एक दो सवाल के वो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप करिएगा, ठीक है, और जो इसमें आपको समझ में आए वो पूछिएगा। क्लियर? जैसे एक न्यूमेरिकल और दे रखा है बिल्कुल सिमिलर एग्जैक्ट ऐसे ही, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बाय मास इज 5%। अब इसमें देखो बेटा, नोट करें हिंदी मीडियम वाले, उस विलेय का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जो जो उस विलेय तथा विलायक भी है बेटा, तथा विलायक का अमाउंट ज्ञात कीजिए जो 1000 ग्राम विलयन बनाने के लिए आवश्यक है। तथा विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान 5% है, देखें बेटा इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला है, सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला आप लगाते हो? हाँ, अगर फॉर्मूला ये लगाते तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्यूट को हम अगर फाइंड आउट करेंगे, पहले मास ऑफ सॉल्यूट हम फाइंड आउट कर लें। देखें तो मास यहाँ पर ये चीज दे रखी है, 5 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 इंटू 100। ठीक है, 1000 इंटू 100। तो आप यहां से एक चीज देखो क्या जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 5000 अपॉन 100, यहां आ जाएगा बेटा 50 ग्राम, यह आ गया 50 ग्राम। अब मास ऑफ अगर सॉल्वेंट हम निकालें, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालें तब देखो क्या जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, यहां पर देखें मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा, 1000 माइनस 50 इज इक्वल टू 950 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, यहां प्रतिशत विलयन का एक और सब जानते हैं आप लोग, ऐसे निकाल लेंगे बेटा। क्लियर? ठीक, आज की क्लास यहीं पर ओवर करेंगे, और आप लोग और भी न्यूमेरिकल्स जो भी हैं उनको करिएगा। बाय चांस कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप उसको उससे लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।